इस वजह से अस्पताल में भर्ती हुई नुसरत, जहां दो दिन पहले ही वायरल हुई थी पति संग तस्वीरें। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से रविवार को उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है। उनके परिवार के मुताबिक नुसरत जहां को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन्हें पहले अस्थमा की बीमारी भी रही है। ऐसे में रविवार सुबह 9:30 कोलकाता के निजी अस्पताल में नुसरत को भर्ती कराया गया है। इस वजह से नुसरत जहां सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र में भी हिस्सा नहीं ले पाई। अभी दो दिन पहले ही नुसरत की पति के साथ रोमांस करते हुए तस्वीरें सामने आई थीं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में नुसरत ने बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार शायन तनगोश को 3,50,369 वोटों से हराया था। चुनाव नतीजों के बाद नुसरत ने निखिल जैन के साथ 19 जून को शादी कर ली थी। बता दें, शासन बनने के बाद से ही नुसरत को कभी उनके कपड़ों के लिए तो कभी गैर धर्म के लड़के से शादी करने के लिए लगातार ट्रोल किया जा रहा है। खैर, नुसरत को इन ट्रोलर्स को हैंडल करना आता है। उन्हें इन ट्रोलर्स की बात से फर्क नहीं पड़ता। नुसरत कई मौकों पर कह भी चुकी हैं कि वो सोशल मीडिया पर आए कमेंट्स को इग्नोर करती हैं। अपनी शादी के बाद 25 जून को नुसरत पहली बार संसद पहुंची थीं। इस दौरान उनके गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर चर्चा का विषय बना। इसी के चलते नुसरत जहां के खिलाफ देवबंद के धर्म गुरुओं ने फतवा जारी कर दिया। उनका कहना था कि मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ मुस्लिम लड़कों से ही निकाह करना चाहिए। उनका कहना था कि नुसरत एक मुस्लिम महिला हैं, तो वो सिंदूर कैसे लगा सकती हैं? मांग में सिंदूर देख नुसरत से ये सवाल किया जा रहा था कि क्या उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है।